तो गाइज यार, बिना किसी टाइम पास के वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। तो आज मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करने बोलूँगा, ना तो मैं आज आप लोगों को लाइक करने बोलूँगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, नहीं पसंद आया तो अनसब्सक्राइब और डिसलाइक करके चले जाना। क्योंकि गाइज आज मैं आप लोग की आंखें खोलने वाला हूँ। जो आप लोग की आंखों के आगे पट्टी लगी है ना स्ट्रीमर्स को लेके, जो हमारे एम्युलेटर प्लेयर्स है उनकी, आप लोग की आंखों के आगे जो पट्टी लगी है ना आज मैं वो खोलने वाला हूँ। बेसिकली मुझे मालूम है कि मुझे हेट आएगा इस चीज़ के कि मैं एम्युलेटर प्लेयर को सपोर्ट कर रहा हूँ। बट आप लोग को एक चीज़ बोल दूँ, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लोगे ना तो शायद से आप लोग भी उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दोगे। गाइज अभी आप लोग के आंखों के सामने ना एक फ़ोटो आ जाएगा, उसमें लिखा है कि व्हाट इज़ स्ट्रीमर। स्ट्रीमर वो होता है गाइज जो हमको मोबाइल और पीसी के द्वारा एंटरटेन करे लाइव कर करके। इंग्लिश में तो गाइज बहुत ही हाई लेवल पे लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने हिंदी में आप लोग को भाई एकदम सरल भाषा में समझा दिया कि स्ट्रीमर कौन है और वो होता क्या है। बेसिकली अगर हम स्ट्रीमर की बात करें फ्री फायर स्ट्रीमर्स की, तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रीमर्स हैं जो पीसी से खेलते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे एक फ़ोटो देखने को मिल रहेगा। ये सब स्ट्रीमर्स को आप लोग जानते हो, ठीक है? ये सब स्ट्रीमर को आप लोग जानते हो और ये सब एक लेवल पे हैं। टोटल गेमिंग हो गया, ज्ञान भाई हो गए, जे भाई हो गए, एमजे भाई हो गए, ब्लैक फ्लैग आर्मी हो गए, ये सब वो लोग हैं गाइस जो अपना सब काम छोड़ के ना हमको एंटरटेन करते दिन रात। कभी आप लोग ये देखो कि एक का स्ट्रीम बंद होगा तो दूसरे का स्ट्रीम चालू होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग को बोर नहीं होना चाहिए, आप लोग को हंसी आनी चाहिए। आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया कि इन लोग लाइव में खाना खाते हैं? क्यों मालूम है? क्योंकि इनका एक एक सेकंड भी कीमती है, क्योंकि ये आप लोग को एंटरटेन करना चाहते हैं। ये आप लोग कभी दुखी नहीं देख सकते। चलो मुझे एक बात बता देना, इन लोग क्यों ऐसा कर दें, इसमें इन लोग का फ़ायदा क्या है? हाँ सीधी सी बात है, यूट्यूब कर रहे पैसा मिलता है। बट कभी आप लोग ने ये सोचा है कि आप लोग की हंसी के आगे ना पैसे की कीमत नहीं है यार। अगर आप लोग खुश हो ना तो इन लोग तो डबल खुश है यार। इन लोग कभी एड्स नहीं लगाएंगे, मैं दावा बोलता हूँ। अगर आप लोग बोलोगे ना कि भाई अपने इस पर ऐड मत लगाओ, आप हम लोग को बस हंसाते रहो, तो इन लोग वो भी चीज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी खुशी चाहते हैं। और मुझे एक चीज़ बता दो यार, बस एक सिंपल क्वेश्चन का जवाब दे दो। आप लोग ने कभी किसी पीसी प्लेयर, ठीक है मैं पीसी प्लेयर की बात कर रहा हूँ जो मोबाइल का फ्री फायर पीसी में खेलते हैं, ज्ञान भाई हो गए, टोटल गेमिंग, ये सब की बात कर रहा हूँ, क्या आप लोग ने कभी ये देखा है कि उनने ये बनाया है कि भाई वॉल हैक कैसे करें? क्या कभी आप लोग ने ये देखा कि उनने ये बनाया है, डायमंड की स्क्रिप्ट निकाली है? क्या कभी ये बताया कि डायमंड हैक कैसे करें? क्या कभी पीसी प्लेयर ने ये सब बताया है? खुद सोच के बता देना, आंसर मिल जाएगा। और आंसर मुझे भी मालूम है क्या है, नो है। अभी मैं आप लोगों को दूसरा बोलूँगा, जो मोबाइल यूट्यूबर्स है, जो हमारे मोबाइल यूट्यूबर्स है उनके बारे में। क्या कभी किसी मोबाइल प्लेयर ने, मोबाइल यूट्यूबर ने ये बताया कि डायमंड हैक कैसा करें? क्या कभी किसी मोबाइल यूट्यूबर ने ये बताया है कि वॉल हैक कैसा करें? क्या किसी मोबाइल यूट्यूबर ने यह बताया है डायमंड की स्क्रिप्ट कैसे यूज करें? आप लोग खुद को आंसर मालूम है, अपना यूट्यूब खोलोगे अपने आप मिल जाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि वो मोबाइल यूट्यूबर है और इन लोग कौन है, स्ट्रीमर है। इनका काम है आपको एंटरटेन करना। इनका काम ये नहीं है कि आपको गलत राह दिखाना। ये कभी आपको गलत राह नहीं दिखाएंगे, ये हमेशा आपको सही राह पे लेके जाएंगे और आपको हमेशा हंसाते रहेंगे। और आप लोग उन्हीं को गाली दे रहे हो जिनकी वजह से आप लोग को गाइज फ़ायदा ना, फ़ायदा वो है जो आप लोग हर हफ्ते ना, हर हफ्ते ब्लू स्टैक का टूर्नामेंट खेलते हो और कोई ना कोई जीत के जाता है, वो फ़ायदा। और आप लोग उन्हीं स्ट्रीमर्स को गाली देते हो, उन्हीं पीसी प्लेयर्स को आप लोग गाली देते हो कि इन लोग ये है, इन लोग वो है। अरे यार कभी कुछ तो रिस्पेक्ट करो यार, जिनकी वजह से आप खेलना सीखे हो, जिनकी वजह से आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया टूर्नामेंट देखने को मिलता है, जिनकी वजह से आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ गेम में पार्टिसिपेट करने को मिलता है, आप उन्हीं को गाली दे रहे हो? सच में सीख जाओ यार, मत करो ऐसा, क्योंकि इन लोग को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप लोग ही कुछ ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा यार? दूसरों की बातों पर आके बोलना बहुत आसान है यार, दूसरों की बातों पर मत कहो, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखो यार, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखो। स्ट्रीमर शोडाउन है, नाम क्या रखा गया, स्ट्रीमर शोडाउन। मैं आप लोगों को सीधा एक ही चीज़ बोलूँगा, ये जितने भी आप लोगों को फोटो दिख रहे ना, अगर इनमें से किसी दो इंसान को लोग लेके गए होते ना, माँ कसम बोलता हूँ कि जो कमेंट्री है ना, जो कमेंट्री देते हैं उसमें धमाल मच गया। टोटल गेमिंग, टोटल गेमिंग, अगर टोटल गेमिंग गया होता कमेंट्री कहने ना, तो धमाल मचा दिया होता। मालूम है क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रीमर है, उसको यूट्यूबर का दर्जा मत दो, उसको बोलो कि वो एक स्ट्रीमर है। अगर इन लोग ट्विच पे गए ना, आपको बोलो यूट्यूब से बड़ा प्लेटफॉर्म ट्विच है, उधर सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, बट इन लोगों को वहाँ पे नहीं जाने का। मालूम है क्यों?
क्योंकि इन लोग को आप लोग के साथ रहने का, इन लोग को यूट्यूब पे रहने का है। अगर इन लोग ट्विच चालू करें ना, इन लोग यार इतने फेमस हो जाएंगे ना कि इनको यूट्यूब की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट नहीं, इनको ये मानना है कि हमको आप लोग को एंटरटेन करना है, क्योंकि आप लोग इनकी फैमिली हो और आप लोग इन्हीं को गाली देते हो। हाँ सही बात है यार, क्योंकि आप लोग उन यूट्यूबर्स के फ़ैन हो जो कभी आज तक कुछ हासिल नहीं कर पाए। सच बोल रहा हूँ, एक्शन बोल के चालू किया था ना, कभी लाइव स्ट्रीम किया उसने 5 घंटा, कभी 6 घंटा लाइव स्ट्रीम किया। चलो बात छोड़ो, कौन से वीडियोस डालता है, बस गेम प्ले के? चलो वो भी बात छोड़ो, और कौन था, IGL वर्जन 2.0 नाम ले रहा हूँ मैं। वो तो भाई किसी और का सुन के बोल दिए थे तो मैं उनको ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि IGL भाई आपको भी मालूम है कि हमारे जो PC स्ट्रीमर्स है वो क्या है। ये जितनी भी फोटो गाइज आप लोगों को स्ट्रीम पे देखने को मिली ना, स्क्रीन पे देखने को मिल दिए ना, अगर ये यूनिट बन गए ना, यूनिटी हो गए ना इन सब में, बेसिकली है, और अगर इन लोगों ने बोलना चालू कर दिया ना, तो जो कूद कूद के बोलते हैं ना गाइज के एमुलेटर्स के टट्टे, माँ कसम बोलता हूँ पैंट में मूद देंगे वो सब, क्योंकि इनकी यूनिटी देख लो गाइज। अगर प्लस करो इनके सब्सक्राइबर यार, 2 जान का मिला के 3 लाख सब्सक्राइबर है यार, 3 मिलियन, बाकी तो अलग बात है यार। तो पहले उनसे लड़ना सीख लो। इसीलिए गाइज हमारे जो देश में ना, हमारे देश का जो ये फ्री फायर यूट्यूब कम्युनिटी ना, उसमें साथ में क्यों नहीं है मालूम है? ये रीज़न की वजह से, क्योंकि मोबाइल और PC को लोग अलग समझते हैं। अरे अगर ऐसी बात है तो कैरी मिनाटी कहाँ से पैदा हुआ, अगर ऐसी बात है तो बीच बॉय शुभ कहाँ से पैदा हुआ, अगर ऐसी बात है तो रॉनी गेमिंग कहाँ से पैदा हुआ जो मोबाइल को PC में खेलना सिखाए लोगों को, एम्यूलेटर में खेलना सिखाया। अरे ये सब लोग महान यूट्यूबर है, मतलब इन लोग भी एम्यूलेटर्स के टट्टे हैं। अरे हमको तो प्राउड फील करना चाहिए गाइज हमारे फ्री फायर PC स्ट्रीमर्स के ऊपर, मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी हैक यूज नहीं किया है। आप लोग स्क्रीन पर अभी और एक फोटो देखने को मिल रही रहेगी गाइज, वो क्या है मालूम है आप लोग? वो PUBG का है। PUBG में कितने लोग हैक करते हो पकड़े गए, उनका लाइव में अकाउंट बैन हुआ है, लाइव में अकाउंट बैन हुआ है। क्यों? क्योंकि उन लोग PUBG का लाइव स्ट्रीम कहते कहते, PUBG मोबाइल का लाइव स्ट्रीम कहते कहते हैक यूज करते हैं। और हमारे हमारे स्ट्रीमर को देख लो गाइस, कभी हैक यूज नहीं किया, कभी हैक यूज नहीं किया, ना तो कभी जीवन में करेंगे, क्योंकि उनका काम है आपको एंटरटेन करना और एंटरटेन करते रहेंगे मरते दम तक। और आप लोग किस किस स्ट्रीमर को गाली दे रहे हो? ज्ञान भाई को, वो ज्ञान भाई जिसने फ्री फायर लाया, वो ज्ञान भाई जिसने TSG और UG जैसे चैनल को खड़ा किया। सीधे से बोलूंगा, मुंह पे बोलूंगा, बुरा लगे तो सॉरी भाइयों, दोनों भाइयों को भी सॉरी, बट ये बात उन लोग भी मानेंगे कि उन लोग को एक स्टार्ट देने वाला ही ज्ञान था। आज ऐसे कितने यूट्यूबर्स हैं जो ज्ञान को देख के बड़े बने, बहुत सारे, लिख के देने को तैयार हुआ है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ज्ञान को अपना आइडल मान के आगे बढ़े। और किसकी बात करो, टोटल गेमिंग की, वो इंसान जिसने फ्री फायर में कमेंट्री कैसा कहते वो करना सिखाया। और किसकी बात करो, ब्लैक फ्लैग आर्मी की, वो इंसान जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खेलता है और आप लोगों को इतना एंटरटेन करता है, बेसिकली उसके स्ट्रीम पे जाके इतना मजा आता है कि क्या बोले। और किसकी बात करो, JJ भाई की, बात करने से पहले ना जाके उनका ना अकाउंट चेक करो, फ्री फायर का अकाउंट, हेडशॉट रेट चेक करो। आप उनकी बात कर रहे हो जो हेडशॉट के बादशाह है? और किसकी, MJ की? अरे MJ पे तो गर्व होना चाहिए यार हम सबको, मालूम है क्यों? क्योंकि MJ जैसा स्ट्रीमर ना मैंने आज तक नहीं देखा रहेगा यार। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे यूट्यूबर्स है जो 1-1 मिलियन का होकर 2-2 चैनल खोल के, 3-3 चैनल खोल के बैठे, क्यों? पैसा कमाना है। अभी आप लोग टोटल गेमिंग ने क्यों खोला है मालूम है? क्योंकि उसका एक बार चैनल डीएक्टिवेट हो गया था, इसलिए उसने खोला था। फिर उसने बनने के और वीडियोस डालता है, चलो वो बात अलग है, बाकी सबका देख लो, वर्जन 2.0, वर्जन ये, वर्जन वो करके खोल के दूसरा चैनल खोल के आप लोगों को चूतिया बनाने का धंधा मोबाइल यूट्यूबर्स कर रहे। बेसिकली मैं भी एक मोबाइल यूट्यूबर हूँ, मेरा दूसरा चैनल नहीं है, हाँ मेरे 2 ओनर है, क्योंकि हम लोग कंटेंट शेयर करते हैं, उसका भी एक चैनल है, पर ना तो मैं उसका प्रमोशन करता हूँ ना तो वो मेरा करती है, बट हम लोग एक है। तो ऐसी यूनिटी ना गाइज ये PC स्ट्रीमर्स में है, हमारे मोबाइल यूट्यूबर्स में नहीं है, और ना तो कभी मिलेगी ऐसी यूनिटी, मालूम है क्यों? क्योंकि इन लोग अपना फायदा देखते हैं। और आप लोग एक चीज़ बोलूँ, आप लोग उन बंदों को गाली दे जो आप लोग के लिए हमेशा लड़ते हुए आए। अभी आप लोग बोले कि भाई IGL भाई भी तो लड़े हैं, कहाँ दिख रहा है? 2 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, बहुत सारे लोगों के अकाउंट बैन हुई है। लाइव करके तो बड़ा उनने बोला भाई कि स्नेहल को जिताओ, और स्नेहल भाई तुम क्या रिप्लाई करो, हमारे पास स्क्रीनशॉट भी है तुम्हारा,
तुम बंदा तुमको एक मैसेज किया कि भाई अकाउंट चेक करो, आज तक कभी हैक यूज़ नहीं किया है, आज तक कभी कुछ नहीं, तुम क्या बोलते हो? मेल का रिप्लाई आया दो, और मेल क्या आता है? ऑटो रिप्लाई। जब आपको हमने जिताया है और आप हम ही से ऐसा करोगे तो क्यों आप एडमिन बनते हो? क्यों आप उन यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो जो बस अपना फ़ायदा देखते हैं? सीधी सी बात बताओ, आज जो यूट्यूबर्स थाईलैंड गए हैं उसका नाम क्या है? स्ट्रीमर शो डाउन। उसमें से कितने ऐसे यूट्यूबर हैं जो स्ट्रीम करते ही नहीं है? सुनीता और TSG की बात मैं नहीं करूँगा, और देसी गेमर्स ने अभी अभी चालू किया है तो उसकी बात भी नहीं करूँगा, और ना तो मैं उनको गंदा बोलने वाला हूँ, ना तो वहाँ जो जितने लोग हैं उनको गंदा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कितने ऐसे यूट्यूबर हैं जो स्ट्रीम करते ही नहीं है और उनको लेके गए हैं। उनसे अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सीधी सी बात है। वो भी डिजर्विंग है, ये भी डिजर्विंग है। क्या इनको कांटेक्ट किया गया? नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोग की पहचान है फ्री फायर से, इसीलिए उन लोग को लेके गए हैं। और मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर ये जो हमारे PC स्ट्रीमर्स है, अगर इनमें से किसी एक को लेके गए होते ना, तो जो पूरा वातावरण ना वो अलग होता। मालूम है क्यों? क्योंकि इन लोगों को एंटरटेन करना आता है, इन लोगों को मालूम है असली रीज़न एंटरटेन करने का, कि आप लोग को एंटरटेन कैसे करें। चलो मयंक भाई की कमेंट्री अच्छी है, एरो गेमिंग की कमेंट्री बहुत ही अच्छी है, बट अगर आप लोग को एक चीज़ बोलूँ, उन लोग भी केपेबल है, हम भी है, हमको भी तो मौका मिलना चाहिए। हमको मौका क्यों नहीं मिलता मालूम है? क्योंकि हमें पहचान नहीं है, उनको मिलता है क्योंकि उनकी पहचान है। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, एक बाजू मुझे खड़ा कर लो और एक बाजू वो दोनों को रख लो, वो दोनों वहाँ पे कमेंट्री करेंगे, मैं यहाँ पे अकेला कमेंट्री करूँगा ना। आप लोग को मेरे यहाँ पे मज़ा आया ना, तो नाम बदल देना, मेरा चैलेंज देता हूँ सीधा। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं ये कर पाऊँगा। और ये उन लोग भी बोलें कि भाई हमारे अंदर भी है, बट कभी ये उन लोग नहीं बोलें कि भाई यार चल तीनों मिलकर साथ में करते हैं। मालूम है क्यों? उनके अंदर वो भावना ही नहीं है, उनके अंदर ही नहीं है, सबके अंदर नहीं है, मगर ये PC स्ट्रीमर जो है ना, उनके अंदर भावना है कि एक साथ में मिलके। कभी ज्ञान भाई के स्ट्रीम में जाओ, वो हर किसी के साथ खेलते हैं जो PC स्ट्रीमर है। कभी टोंडे भाई के स्ट्रीम में जाओ, वो भी हर किसी के साथ खेलते हैं। मैं टोंडे भाई को कांटेक्ट किया था, टोंडे भाई ने मुझे क्या बोला मालूम है? क्या भाई, तू आ जा मेरे साथ खेलने, यार अपने आप सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, चैनल भी एक्टिव हो जाएगा। इसको बोलते हैं गाइज एक सच्चा यूट्यूबर। उसने ये नहीं बोला कि भाई मैं रेड मारूंगा, उसने रेड करने को मना किया, उसने कम्युनिटी टैब डालने को मना किया। मालूम है क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाले को ही बादशाह बोलते हैं। जो इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है ना, वो हमेशा आगे रखता है। मुझे सब ये बोलते हैं कि भाई मैं ज्ञान की चाटता हूँ, किस रीज़न की वजह से आप लोग ये बोलते हो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ना तो मैंने आज तक ज्ञान भाई से कभी रेड लिया। कम्युनिटी में डालना गाइस अलग मीनिंग होता है। कम्युनिटी में वो वीडियो डाली जाती है जो उनको पसंद आती है, वो वीडियो नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दिया। तो भाई यार PC स्ट्रीमर्स की ना रिस्पेक्ट करो, और उनको ये मत बोलो कि उन लोग बेकार है या ये है। बेसिकली जो ये बोलते हैं ना गाइज, वहाँ पे बैठ के हगना ना गाइज बहुत ही आसान है, और 5-5 घंटा लाइव स्ट्रीम करना बहुत ही मुश्किल है। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही, एंड चलते हैं, आप लोग से मिलते रहेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल। यार हो सके तो शेयर करना, अगर पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो कैंसिल कर देना। तो चले चलते गाइज, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।